ऐसे ही प्यारे वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बारिश के मौसम की फेवरेट डिश पर डेडिकेटेड है, कॉर्न या भुट्टा। रेसिपी का नाम मैंने नहीं सोचा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी। पैन को मीडियम फ्लेम पर रखें और उसमें एक बड़ी चम्मच बटर मिला लें। अगर आप चाहें तो घी का भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच दरदरा पिसा हुआ लहसुन डाल लें। लहसुन को मीडियम आंच पर थोड़ा सा भून लें। अब इसमें एक कप कॉर्न के दाने डाल लें और इन्हें मध्यम आंच पर तब तक भूनते रहें जब तक इन पर एक सुनहरा रंग नहीं आ जाता। अब भुने हुए कॉर्न के दानों को एक प्लेट में निकाल लें। इसी पैन में एक बड़ी चम्मच बटर डाल लें। यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंच को मध्यम रखें। बटर को मेल्ट होने दें। गैस को लो फ्लेम पे रखें और इसमें चार बड़ी चम्मच गेहूं का आटा मिला लें। गेहूं का आटा मिलाने के बाद उसको चम्मच चलाते हुए धीमी आंच पे भून लें जब तक उस पर एक सुनहरा रंग नहीं आ जाता। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा सुनहरा रंग आ गया है। अब इसमें मैं एक कप दूध मिला लूँगी। दूध मिलाने के बाद मैं चम्मच को चलाते हुए इसे धीमी आंच पे पका लूँगी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्स्टेंटली चम्मच चलाते रहिए ताकि आटे की कोई गाँठें ना बने और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों, धीमी आंच पे मैंने पकाते हुए कितनी सुंदर और स्मूथ पेस्ट बना ली है। मैंने यहाँ पे चम्मच को चलाना बंद नहीं किया, करीब करीब मुझे 1.5 मिनट चम्मच चलाना पड़ा है। आप भी ऐसे ही करें। अब जब वाइट सॉस बनकर तैयार हो गया है तो उसमें थोड़ी सीजनिंग डाल लेते हैं। आधी बड़ी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी बड़ी चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग्स, और फिर से इसे मिला लेंगे और स्वादानुसार नमक मिला लेंगे। वाइट सॉस में हमने जो भून के रखे हुए मक्के के दाने थे वो अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लें। अब बाउल में निकाले हुए मक्के के दानों को गार्निश कर लेते हैं। आधी बड़ी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी बड़ी चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, और फिर उसके ऊपर खसा हुआ चीज़ डालें। चीज़ बहुत अच्छे से जेनरसली डालें। ये डिश बच्चे बहुत पसंद करते हैं और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। तो याद है ना, ये रेसिपी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी और रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँ।